नमस्कार, 3N पर वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते देश दुनिया का हाल खबर नॉनस्टॉप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना मुक्त, उनका कोरोना रिपोर्ट आया नेगेटिव, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी हुआ 2000 रुपए की छठवीं किस्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया 17000 करोड़ रुपए की छठवीं किस्त, 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। पिछले 24 घंटों में सामने आया कोरोना वायरस के 64,399 नए मरीज, 861 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 21,53,000 से अधिक, 6,28,747 एक्टिव मामले, 14,80,885 मरीजों ने दी कोरोना को मात। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने जारी किया रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने यूरोप के सबसे अमीर शख्स बोनार्ड अल्नाल्ट को पीछे छोड़ हासिल किया ये मुकाम। देश में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हो रही घिनौनी साजिश। रामपुर पुलिस के सरकारी नंबरों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल से मचा हड़कंप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। आज जनपद रामपुर कई सरकारी सीयूजी नंबर जो है उस पे अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से दो संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के दृष्टिगत भड़काऊ बातें की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में कोरोना काल के बीच शुरू हो रही है बीएड परीक्षा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बीएड परीक्षा को संपन्न करने के लिए बनाए गए 5 परीक्षा केंद्र पर 2 पाली में संपन्न हुई परीक्षा। यूपी के जनपद बलरामपुर के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान मंडला आयुक्त देवी पाटन मंडल द्वारा कलेक्ट्रेट में कोविड-19 से रोकथाम, बाढ़ राहत व बचाव कार्य के संबंध में जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मंडला आयुक्त ने राप्ती नदी का दौरा कटान को लेकर अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड के स्थिति का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के एटा के शांतिनगर में मकान में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि पिछले एक साल से इसी मकान में किराए पर रहता था युवक। ये प्रदीप कुमार हैं, थाना सकरौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ लगभग एक वर्ष से किराए पर रहते थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि इन्होंने पाइप से, जो पाइप होता है प्लास्टिक वाला, उससे लटक कर इनकी डेड बॉडी लटक रही थी। तो वहाँ के लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी कि इस तरह से एक डेड बॉडी लटक रही है इनकी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची, देखा वहाँ के मोहल्ला वासियों की मदद से, फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया, डेड बॉडी को उतरवाया गया। फरुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में सोता नाले में डूबने से 19 वर्षीय युवक की मौत। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। बताया जाता है कि युवक घर से भैंस चराने के लिए निकला था, मगर भैंस नाले में चली गई, जिससे निकालने के दौरान युवक की डूबकर मौत हो गई। क्या हुआ मामला है आपका, कितने बजे बच्चा डूबा, इसके बारे में बताएं। इतने तो मालूम नहीं, 5-6 बजे की थी। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी कपड़ा देखे वहाँ, तो आज कपड़ा किन के हमारे का नाम भाई गो, तो भाई का क्या नाम है? भाई बिजनेस। मोबाइल से नहीं पता लगो, मोबाइल वहाँ पर पड़ा हुआ था। मोबाइल करो तो मोबाइल फोन लगाओ तो बजो तब भाई। आपके बच्चे का क्या नाम है? फरुखाबाद में बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी के जल स्तर में आई कमी, लेकिन आसपास के इलाके ने भरा पानी, गांव में पानी भरने से ग्रामीण हुए भयभीत। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप, खुद किया नाव का इंतजाम। सैदापुर, कछुआगौड़ा, भुड़रा, सबलपुर सहित करीब 12 गाँव में फैला बाढ़ का पानी। वीरेंद्र बटौली में रहता हूँ। यहाँ सारे अधिकारी आते हैं और गाँव लोग, यहाँ अधिकारी आते हैं, यहाँ देख देख कर चले जाते हैं।
कोई भी साधन नहीं, यहाँ सारा गांव कटान पे लगा हुआ है, सब लोग लटक रहे हैं, कोई भी सारी जमीन कटी हुई है और बाकी सब लोग भूखों से और प्यासों से रह रहे हैं। बिहार के रोहतास सासाराम नगर थाना क्षेत्र में मदरसे की संपत्ति और पास की जमीन को लेकर हुई मारपीट। इस दौरान एक 16 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ की बात आई सामने, 6 वर्ष पुराना बताया जाता है मामला, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दिया 2 लोगों को गिरफ्तार। हत्या के विरोध में सड़क जाम और शव को कंधा देने वाला ही निकला हत्यारा। बिहार के कैमूर जिले में आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर कार्य किया, जिसमें कैमूर डीएम एसपी एवं बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रिश किशोर बिंद सहित कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिले को 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसे जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। आज तक 21 लाख से अधिक पौधा लगाया है इस पूरे कैमूर जिले में, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों का, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा, जैसे वन विभाग है, हमारे मनरेगा है और अन्य जीविका ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से रोड है, बिल्डिंग है, सभी विभागों ने इसमें काफी सहयोग किया है, शिक्षा विभाग ने, कृषि विभाग ने, सभी। वैशाली के सहदेही में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किया गया मास्क और साबुन का वितरण। सहदेही प्रखंड के मजरोही पंचायत में पैक्स अध्यक्ष हरेंद्र राय द्वारा किया गया वितरण। पैक्स अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया गांव की सफाई। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ।